हूँ नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने कहा, कॉम्बैट ब्रांचों को छोड़कर अन्य शाखाओं में महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बाध्य केंद्र। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के चारों अस्थायी कैंपस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जड़ा ताला, की स्थायी कैंपस की मांग। परिसर का निर्माण क्यों नहीं होता? चक्कर है भाई, चक्कर है। लाइब्रेरी में बुक्स क्यों नहीं मिलती? चक्कर है भाई, चक्कर है। युवक की लैब्स क्यों नहीं आती? चक्कर है भाई, चक्कर है। प्रशासन के इस चक्कर को, बीसी के इस चक्कर को। सीयूएचपी में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने की प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, कैंटीन लाइब्रेरी व लैब्स बनाने की रखी मांग। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 30 मामलों की पुष्टि, वहीं चीन में वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 1700 के पार, 70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका ने किया परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ट्राइडेंट 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा पर्यावरण संरक्षण के लिए देश उठाएगा अनेक कदम, हरित अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन का दुनिया भर में नेतृत्व करेगा भारत। तिब्बतीयन धर्मगुरु दलाई लामा के नाम पर लॉन्च किया गया वियतनामी टीवी चैनल, दलाई लामा की शिक्षाओं को सरल बनाना होगा उद्देश्य। धर्मशाला के एक गेस्ट हाउस में ठहरे पंजाब के 2 युवकों को 9.6 ग्राम चिट्टे के साथ किया गया गिरफ्तार। हिमाचल में नए व पुराने वाहनों पर लगाना होगा जीपीएस, नहीं तो होगी कठोर कार्यवाही। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का किया जाएगा भव्य स्वागत। इस बुलेटिन में इतना ही, देश विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए सेंट्रल न्यूज़।